महाराष्ट्र में यू तो कई ऐतिहासिक किले हैं, उन्हीं में से एक है प्रतापगढ़ का किला जिसकी हूबहू प्रतिकृति बनाई है महल के जोग गले में छावा प्रतिष्ठान की ओर से जिसे देखने के लिए दूर दराज से कई लोग आ रहे हैं पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरी इनकी ये रिपोर्ट महल के प्रतापगढ़ किले से आइए देखते हैं भारत देश के हर राज्य की बात करें तो हर राज्य अपनी अपनी विशेषताओं से दिखता है यदि महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र पर्वत समंदर जंगल और पुरातन काल से बनाए गए बड़े बड़े किले आज भी महाराष्ट्र की शान है यदि भारत की बात करें तो 4000 से भी ज्यादा अति प्राचीन किले हैं। तो वही महाराष्ट्र में साढ़े चार सौ अधिक किले हैं और विदर्भ में 40 से लेकर 60 किले हैं। छोटे बच्चों से लेकर युवक और बुजुर्ग व्यक्तियों को पुरातन काल के किलों की जानकारी हो इसलिए दीपावली में इस बार शहर के अलग अलग परिसरों में तकरीबन सत्तर के आस किले बनाए गए इसी श्रृंखला में महल परिसर की जोग गली में छावा प्रतिष्ठान की ओर से प्रतापगढ़ किले की प्रतिकृति बनाई गई प्रतापगढ़ यह किला राज्य साता राज के सातारा जिले के जावरी तहसील में है महाबलेश्वर से 21 किलोमीटर पर यह डोंगरी किला है छत्रपति शिवाजी महाराज ने सन उन्नीस में यह प्रतापगढ़ किला बनाने की आज्ञा दी थी इस प्रतापगढ़ किले को तैयार करने के लिए छावा प्रतिष्ठान के समे हुए और उनके तमाम युवा साथियों ने कड़ी मेहनत करते हुए यह प्रतिमात्मक प्रतापगढ़ का किला तैयार किया इस किले को देखने के लिए विदर्भ और राज्यों से कई मान्यवरों ने अपनी हाजिरी लगाई है इन बी जन समक्ष छावा प्रतिष्ठान के समीर येवले और साथियों ने जानकारी दी महाराष्ट्र वैसा सांस्कृतिक है और महाराष्ट्र की अगर धरोहर देखा जाए तो महाराष्ट्र का वैभव कुछ अलग है क्योंकि इस महाराष्ट्र में नदी है बहुत बड़ी समंदर है पर्वत है जंगल है और साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो संपन्नता है वो है महाराष्ट्र के गढ़ किले इन्हीं में से एक है प्रतापगढ़ आखिरकार प्रतापगढ़ यहाँ क्यों बनाया गया आइए जानना चाहेंगे छाव प्रतिष्ठान के कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ में है ये बताइए कि प्रतापगढ़ की ये प्रतिकृति क्यों बनाई गई प्रतापगढ़ की प्रतिकृति इसलिए बनाई गई कि ये इतिहास में सबसे प्रतापी किला है और इसे बनाने के लिए हमें ये 20 बाई 15 फुट में हमने ये बनाया है एक्चुअली में ये पहले हमने मैपिंग किया उसके बाद स्ट्रक्चर पूरा जितनी मिट्टी हाइट के हिसाब से चार ट्रैक्टर मिट्टी आ, पाँच बोरे साढ़ू माती दो बोरी भूसा इस टाइप का मटेरियल इस प्रतापगढ़ में पूरा हमने यूज़ किया है प्रतापगढ़ दिखाने का उद्देश्य यही था कि अभी जो सरकार है या कोई भी सरकार हो वो महाराष्ट्र के गढ़ किले के ध्यान ही नहीं दे रहे और उसके वजह से जो इतिहास है अपने महाराष्ट्र का बच्चों तच्चों तक तो पहुँच नहीं रहा है तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है और एक एक संदेश है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए गढ़ किले के लिए गढ़ किले की तरफ इससे जन कि अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनको महाराष्ट्र का महाराष्ट्र महाराष्ट्र का इतिहास समझेगा जो महाराष्ट्र के जितने भी उन्होंने कार्य किए थे सब वो हम उनको, उनको दिखाना पड़ेगा इसलिए मेरी विनंती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के से कि कृपया हर गढ़ किले के लिए आप ध्यान दीजिए हम हमारा भी यही कहना है कि जितने भी गढ़ किले है महाराज के उसके तरफ ध्यान देना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्योंकि ये ये किलों पे देखे जाए तो सब लोग जाके दारू पीते हैं कुछ कुछ अलग जो भी शौक पानी है वो लोग करते हैं पर ये नहीं करना चाहिए ये अपनी संस्कृति है इसको जपना चाहिए हम लोगों ने सब ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का मेरा यही निवेदन है कि महाराज के घर किलों को संभाल के रखिए ये सामने वाले पीढ़ी के काम में आएगा कि महाराज क्या आते हैं उनको भी पता चलना चाहिए भारत के कई राज्यों में कई अपनी अलग विशेषता है उन्हीं में से एक महाराष्ट्र है महाराष्ट्र में लगभग 300 के आसपास ऐसे किले हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है महाराष्ट्र के किलों का अपना एक इतिहास है प्रतापगढ़ का भी अपना एक इतिहास रहा है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ में उन्होंने किस प्रकार से अफजल का जो खात्मा जो किया था उसके बारे में ये प्रतिकृति दर्शाती है मगर अफसोस के आए दिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र के किलों की जो एक लचर हालत हो रही है और जो किला अपना अस्तित्व छोड़ रहा है इसकी और भारत सरकार हो या राज्य की सरकार हो जरूर ध्यान देना चाहिए यदि किले इस तरह से ढह जाएंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए महाराष्ट्र में कभी कभार किले थे या नहीं ये बात नहीं पता चलेंगी इसलिए छावा प्रतिष्ठान प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी प्रतापगढ़ की ये प्रतिकृति यहां पे बनाई है जिसका फायदा आने वाले युवाओं को छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो हर शहर के हर राज्य के नागरिकों को इसकी सटीक जानकारी मिले और अपनी ये जो धरोहर है किलो की ये बरकरार रहे यही इसके पीछे का उद्देश्य है नागपुर के दसरा रोड से कैमरा पर्सन मोनू खान के साथ संजय मिरे इन न्यूज नागपुर